गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ, जिसमें हम हर एक साखी और उसके उदाहरण देख चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ, जिसके प्रश्नोत्तर। इसके प्रश्नोत्तर भी बहुत ही सरल है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। जिसका जवाब है, तलवार तथा म्यान के उदाहरण द्वारा कबीर दास ने जाति पाति का विरोध किया है। कबीर दास कहते हैं कि किसी मनुष्य की जाति मत पूछो, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की विशेषता उसके ज्ञान से होती है। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देखी हुई है ये साखी, और अब आपको पता भी चल गया होगा, इसका आंसर भी बहुत सरल है, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। हमने ये साखी में देखा है, तो हम देखते हैं इसका आंसर कि कवि क्या कहना चाहते हैं। केवल माला जपने से या मुंह से राम नाम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं, तो यह सच्ची भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। ये बात कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है, क्योंकि एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। घास के माध्यम से कबीरदास जी ने इसे स्पष्ट किया है। यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें पीड़ा होती है। इसीलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः किसी के भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? आंसर, मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह सकता है, अथवा अपने व्यवहार से ही शत्रु बना सकता है। नीचे दिए गए दोहे से कबीर दास जी ने इसकी पुष्टि की है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ये 4 प्रश्न के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं, और 4 प्रश्न के बाद मैंने ये पाठ का सार दिया हुआ है, जो आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, लेकिन इसे याद करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं पाठ का सार। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। मानवीय प्रवृत्ति मतलब हम इंसानों के जो काम है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो प्रस्तुत करना मतलब हमारे सामने रख रहे हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती है, जो हमने कमल का एग्जाम्पल और तलवार का एग्जाम्पल देखा है। दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है, जैसे एक गाली मिली तो दूसरी गाली बोलना जरूरी नहीं है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ प्रभु के नाम जपते हैं, पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमजोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि
कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है, जैसे हाथी और चींटी। एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। इसमें कवि ने घास के तिनके का उदाहरण दिया है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। विद्यार्थी मित्र, अब आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से याद कर लेना है। ये साखी का भावार्थ और उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अब आ जाने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1-4 आपको नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 5-8 आपको नोटबुक में लिखने नहीं है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें ये जो आपा शब्द है जो ये साखी में यूज़ हुआ है, क्या वो स्वार्थ मतलब खुद के बारे में सोचना या तो फिर घमंड यानी कि अभिमान का अर्थ देता है, ये दोनों में से कौन सा अर्थ ये साखी के लिए सही है? आंसर देखते हैं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपा शब्द है वो क्या दर्शाता है? अहंकार दर्शाता है, हमारा घमंड दर्शाता है, ना कि स्वार्थ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। यहाँ पे हमें पूछा गया है, हमने आगे देखा कि ये जो साखी है उसमें आपा कौन सा अर्थ दर्शाता है? घमंड का। तो क्या घमंड और आत्मविश्वास एक हो सकता है या कोई अंतर हो सकता है, या तो फिर उत्साह और घमंड में कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें, मतलब ये दोनों चीज़ों को हमें समझाना है। आंसर देखते हैं। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। कैसे? पहला, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको अगर समझाऊँ तो मैं क्लास में फर्स्ट ही आऊँगा या मैं तो हर बार फर्स्ट ही आती हूँ, ये हमारा अहंकार है। लेकिन इस बार मेरे 95% तो आएंगे ही, मेरे पेपर इतने अच्छे गए हैं, मैंने इतना अच्छा लिखा है, वो हमारा आत्मविश्वास है। तो पता चला आपको घमंड किसे कहते हैं और आत्मविश्वास किसे कहते हैं। दूसरा देखते हैं, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अहंकार जो मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया कि हम हर बार ऐसा सोचते हैं कि क्लास में मैं ही फर्स्ट आऊँगा, वो हमारा अहंकार है। लेकिन इस बार मुझे क्लास में फर्स्ट आना है और मैं उतनी ही मेहनत करूँगा कि मैं फर्स्ट आ सकूँ, तो वो हमारा उत्साह है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अहंकार, उत्साह और आत्मविश्वास में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। मनोवृत्तियाँ मतलब मन के विचार, और ये बात सही भी है। हम सब एक समान भले ही सुने देखे, लेकिन हम सभी के विचार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। सबसे पहले हम पंक्ति देखते हैं जिसमें कबीर जी ने हमें
ये जो भाव है वो दिखाया है। आंसर, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब ऐसा क्या है जो हमारे हम सबको एक समान बनाए रखे। तो उसका आंसर है, मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अगर सारे लोग एक जैसा सोचेंगे तभी हम सब क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ठीक है, कबीर जी जो दोहे लिखते हैं उसे साखी, हमारा जो चैप्टर है उसका टाइटल भी क्या है, कबीर की साखियाँ। तो यहाँ ये हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज में भी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं हम आंसर, कबीर के दोहों को साखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। श्रोता मतलब सुनने वाला, साक्षात ज्ञान दिया गया है मतलब कबीर जी जो दोहे लिखते हैं या उसकी जो रचना करते हैं वो ऐसे होती है जैसे उसे सुनने वाला उनके सामने बैठा हो और वो उनको ज्ञान दे रहे हो। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। मतलब समाज में पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, जातीय भावना मतलब ऊंच नीच जो है, और बाह्य आडंबर मतलब सिर्फ दिखावा ही दिखावा है, ये सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए समाज में, वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए कबीर जी क्या करते थे, उनकी साखियों के द्वारा हमें ज्ञान देना चाहते थे और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। अब है एकदम लास्ट में भाषा की बात। देखते हैं हम, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। मतलब कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की बोली हम बोलते हैं, और इसीलिए कई बार हम किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो तुरंत सोचते हैं या बोल उठते हैं कि ये भरूच का है या ये सूरत का है। ठीक है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पता देते हैं। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मतलब वाणी जो शब्द है वो बानी बन जाता है। मन से मनवा, मन के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है, मनवा या मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है, और जब हम उच्चारण अलग करते हैं तब उसकी वर्तनी भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। मतलब हमने साखी में बहुत सारे शब्द ऐसे देखे हैं जो हम बोलते अलग है या जिसका सही रूप हमें पता है लेकिन साखी में वो अलग दिया गया है। जैसे पहला है ज्ञान, दूसरा है जीभी, जीभी जीभ के लिए यूज़ हुआ है। पाँव, बोलने में एक ही लगता है लेकिन लिखावट दोनों की अलग है, पाँव। तली, तले। आँखी, आँख। बड़ी, बड़ी। बहुत सारे ऐसे और भी शब्द होंगे लेकिन यहाँ पे हमारी साखी में जो वर्ड है वही हमें दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आप इसे अच्छे से सुनना और ध्यान से इसे याद कर लेना, क्योंकि ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।